दिफू पास है अरुणाचल प्रदेश में एराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में और इंडियन स्टेट जहां फेमस नंदी हिल्स है उसका जवाब है कर्नाटका आज के सवाल हैं विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन एज द लाख बक्श लाख बख्श हु वाज द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी हु दिस स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट

सम एप्टीट्यूड एप्टेस एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट परफॉर्मिंग अ टास्क लुगुब्रियस का मतलब होता है शोकाकुल, लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड डिसमल ग्लूमी डॉन्ट डॉन्टिंग टास्क है मतलब इंटीमिडेटिंग है एप्रिहेंसिव है इंटीमिडेट अबैश रफल सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज वीकेंड्स है तो आज आंसर राइटिंग नहीं होगा बट हम बैकलॉग कंप्लीट करेंगे सो वी विल हैव डिस्कशन ऑफ आंसर राइटिंग इन इवनिंग ओके दिस इज़ द हिंदू न्यूज़ पेपर टूडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस यूक्रेन क्राइसिस इंडियन आर्म्स रोमानिया इंडियन सिटीजन्स आज का ये एडिटोरियल अच्छा है द परफेक्ट स्टॉम ट्रबल्ड वाटर श्रीलंका से रिलेटेड है एंड पुतिन एंड रशिया की जो पॉलिसी है उसके बारे में इंसाइट्स हैं वह वेस्ट लेट ग्लोबल ऑर्डर है क्या इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है दिस इज ऑन डिक्लाइन देन दिस इज एयर इंडिया टू फ्लाई प्लेन्स टू यूक्रेन नेबर इंडियंस को इवैक्यूएट करना है रशियन एनवॉय नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान देन दिस इज सेंट्रल स्टाफ प्रोटेस्ट और रशिया मोस्ट ऑफ़ द न्यूज़ आज जो है वो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन पर है इकोनॉमी में भी जो बिजनेस सेंटीमेंट हैं वो इस वर्ल्ड वॉर थ्री जैसा क्राइसिस अगर होता है यूक्रेन क्राइसिस होता है उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे एटसेट्रा पे डिस्कशन है आज सैटरडे है तो आज वो एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं आता है एक्सप्लेन एंड ऑल सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट से थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स ओके सो ये फर्स्ट न्यूज है दिस इज अबाउट यूक्रेन क्राइसिस मिसाइल्स हिट कीव सिटी ऑन द डिफेंसिव यूक्रेनियन क्राउड बॉम्ब शेल्टर्स रशिया क्लेम्स कंट्रोल ओवर एयरप्रो एयरपोर्ट सो ये न्यूज़ अभी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे एस्केप रूट इंडिया का जो मैंडेट है वो ये है कि पीस लॉ एंड ऑर्डर हो डिप्लोमेटिक यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करें मीनवाइल अभी लेटेस्ट न्यूज ये भी है कि यू में इससे रिलेटेड रिजोल्यूशन था इंडिया ने वहाँ से एब्सटेन किया है एबसटेन किया है मतलब वहाँ पे मिस कर दिया एब्सटेन किया राइट और रॉन्ग यस और नो कुछ नहीं कहा सो दिस इज़ दैट फोर सेवेंटी इंडियन स्टूडेंट्स मूव टू रोमानिया दिस इज इमीजिएट जो कंसर्न है हमारा वो है इंडियन सिटीजन्स जो यहाँ पे ट्रैप हो गए उनका सेफ इवैक्यूएशन करना हमारी प्रायोरिटी है दिस इज दैट सरप्राइज एनिमी विद इंडियन आर्म्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा न सी लेसन्स लर्न करना बहुत जरूरी है हम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं इकोनॉमिकली पावरफुल बन रहे हैं हमें मिलिट्री और डिफेंस में भी सेल्फ रिलायंट बनने की ज़रूरत है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस किया इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमाइजेशन एंड यूनिकनेस ऑफ डिफेंस सिस्टम फॉर हैविंग अ सरप्राइज एलिमेंट ओवर द एडवर्जरीज पता है एक और चीज़ होती है जैसे रशियन हम प्लेन्स लेते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ देर तो वो बता रहा था कि जैसे हमारे जो प्लेन्स लेते हैं हमसे रशिया से लेते हैं अब ये जो प्लेन्स होते हैं ना और इंडियन सब में जो उसका ऑपरेशन हो रहा है दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो एट टाइम्स ये जो वेपन्स होते हैं बिकॉज से यू से है रशिया से है तो यहाँ कोल्डर टेम्परेचर होता है इंडिया में वही इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए रिलेटिवली पाँच दस डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहता है तो इसके कारण एट टाइम्स जो मशीन होती है ना वो मेल फंक्शन करती है सो द पॉइंट इज कस्टमाइजेशन जरूरी होता है इक्विपमेंट्स का भी डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडियन जो ह्यूमिड कंडीशन है या फिर हॉट है यहाँ का जो क्लाइमेट है इस कस्टमाइजेशन की रिक्वायड required, रिक्वायर्डनेस है यूनिकनेस ऑफ डिफेंस सिस्टम जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग तो दिस इज देयर एक कस्टमाइजेशन ज़रूरी है यूनिकनेस एंड सरप्राइज एलिमेंट्स कुड ओनली हैपन व्हेन द डिफेंस इक्विपमेंट इज डेवलप्ड इन अवर कंट्री तो हम खुद से वेपन बनाए ताकि हमारी यूनिक रिक्वायरमेंट को वो केटर कर पाए हम बोरोड नहीं हो बोरोड वेपन से अपना डिफेंस सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करें दिस ईयर्स बजट हैज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर डेवलपिंग अ वाइब्रेंट इको सिस्टम रिसर्च डिज़ाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग विद इन द कंट्री ये जो डिफेंस होता है ना ये भी स्टैंड अलोन नहीं होता है ये एक पूरा इको सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जिसमें आर एन डी भी हो डिज़ाइन भी हो डेवलपमेंट भी, भी, भी हो मार्केट तो हमारे यहाँ है ही तो ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है और अगर इंडिया इस इकोसिस्टम में डिफेंस इकोसिस्टम में अगर एक्सपर्टीज करता है तो हमारे पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत होगा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे ब्रह्मोस को हमने से वियतनाम को एक्सपोर्ट किया सच टाइप ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल अनटैप्ड है इसको रियलाइज करना ज़रूरी है तो बजट में इस बार बूस्ट है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस कॉल टू एक्शन तो बजट में इसके लिए पैसे अलोकेशन किया है ट्रांसपेरेंट हो टाइम बाउंड हो ट्रैगमेटिक हो और फेयर सिस्टम ऑफ ट्रायल्स हो टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन जरूरी है ताकि ये जो पूरा प्रोसेस हो उसका स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ये वर्क हो एसेंशियल है टू द ग्रोथ ऑफ वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री तो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करे ऑडिटिंग करे कुछ रॉन्ग डूइंग हो तो वहाँ विसल ब्लोअर भी होना चाहिए तो इस तरीके से चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है बिकॉज ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना दिस इज़ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बहुत पैसा है यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री सो दैट इज बाय यहाँ एक प्रॉपर चेक इन बैलेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कराना भी ज़रूरी है फॉर मीटिंग द वाइड रेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रायल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी भी बने ताकि ऐसा नहीं हो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स की क्वालिटी खराब हो जब उनकी ज़रूरत पड़े तो वो डिलीवर नहीं कर पाए सो इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सो so, ये जो स्टेप है ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट से लेके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इस पूरे प्रोसेस को क्लींस करना जरूरी है एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इंडिजिनाइजेशन ऑफ अवर आर्म एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स सो दिस इज गुड सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू जो नेक्स्ट है वो एडिटोरियल है द परफेक्ट स्टॉम रशिया ने एक गैम्बेट खेला है यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर ड्राइविंग इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी सी अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे तो रशियन कॉम्पेटिव स्टैंड है मिलिट्री का यूक्रेन पर इसको पहले ही प्रडिक्ट कर लिया गया था बट इससे क्या कॉन्सिक्वेंसिस हुए स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए ऑल ओवर दर्ल्ड ऑल एसेट्स क्लासेज द वर्ड ओवर अब क्या है रशिया एक मेजर सप्लायर है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स का तो ऑयल प्राइसेस अब स्काई रॉकेट होगी एट ईयर हाई पे है डॉलर वन जीरो फाइव व बैरल पे अभी बिक रहा है स्टॉक मार्केट स्टम्बल हो गए हैं और फाइव परसेंट तक ये क्रैश हुआ रुपी अभी डिपन हुआ है और सेवेंटी सिक्स टू अ डॉलर मार्क में है एक्चुअली जब भी क्राइसिस आता है ना तो सब लोग सेफ करेंसी की तरफ भागते हैं सेफ करेंसी माना जाता है डॉलर सेफ माना जाता है येलो मेटल मतलब गोल्ड तो डॉलर अभी बढ़ेगा और गोल्ड भी अभी बढ़ेगा रुपयो और जो दूसरे करेंसी हैं वो अभी डिक्लाइन होंगे तो सब लोग सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं तो येलो मेटल भी फिफ्टीन मंथ हाई पर है एक स्टाइल होती है लिखने का कि हम कई बार जैसे गोल्ड नहीं बोलेंगे हम येलो मेटल बोल देंगे कई बार हम इंडिया नहीं बोलेंगे हम न्यू दिल्ली बोल देंगे रशिया नहीं बोलेंगे हम मॉस्को बोल देंगे मॉस्को में भी क्रेमलिन बोल देंगे सो दिस इज इनडायरेक्टली ऐसे बोलते हैं येलो मेटल तो डोमेस्टिक स्टॉक जो है इधर बहुत ज़्यादा स्विंग है ग्लोबल इन्फ्लेशन ऑलरेडी देर था कोविड नाइन्टीन से हम रिकवर अभी भी नहीं हुए हैं यू एस फेडरल रिजर्व अभी टाइटनिंग टाइटनिंग स्टार्ट कर दिया है फिजिकल टेपरिंग तो ईजी मनी लिक्विडिटी नहीं रखेगा यू एस ए का आसान मनी नहीं आएगा एक्चुअली यू एस ए का ही ईजी मनी पूरे वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ये होना बंद हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट्स ड्राई हो जाएंगे इनिशियल लॉसेज दिस मल्टीलेयर्ड अनसर्टेनिटी है अभी भी इकोनॉमी में सो दैट इज़ वाई इकोनॉमी प्रिपेयर करना है तो दिस इज़ द टाइम टू स्टडी द फंडामेंटल्स बेसिक्स थीम्स वोकेबुलरी ये जो नंबर की जगलरी है इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज डे बाई डे सिचुएशन चेंज हो जाती है अनसर्टेन और फिर जो पहले के प्रोडिक्शंस रेटिंग्स डेटा नंबर सब हो जाते हैं जंक सो यू एन एस सी भी अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है इनडिसाइजिवनेस दैट इज़ वाई कल हमने यूनाइटेड नेशंस पढ़ा इस पूरे हफ्ते में हम यू एन यू एन रिलेटेड बॉडीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आंसर राइटिंग के थ्रू कवर कर लेंगे दिस इज अ गुड गुड पॉइंट और रिफॉर्म्स की भी क्यों जरूरत है इस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे तो अब सी डबल एज्ड इकोनॉमिक रेमिफिकेशन है सिटिंग ऑन द फेंस इंडिया डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो जो रशिया है उसको सपोर्ट करे या क्रिटिसाइज करे हमने यू एन एस सी में एबस्टेंट तो कर दिया बट त्रिमूर्ति साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें रशिया पे सवाल भी उठाएं रशियन जो इन्वेजन है उसको को क्रिटिसिज्म भी किया है तो इंडिया थोड़ा फर्म स्टैंड भी ले रहा है बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इसको किसी भी बात पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता तो अगर मॉस्को पे सेंक्शंस लगते हैं तो हम मॉस्को से कैसे डील करेंगे स्विफ्ट क्या होता है ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है अगर मॉस्को को रशिया को डिबार कर दिया गया तो रशिया से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने हैं वो इम्पैक्ट हो जाएंगे तो उस केस में हम क्या करें अगर हमें ऑयल एक्सपोर्ट तो इतना है नहीं बट जैसे टी है और भी दूसरे मटेरियल्स हैं जो रशिया से हम लेते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पेमेंट के लिए क्या फिर हमें रुपी का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा ये सब सवाल है पेट्रोलियम जो है वो बहुत कम है इम्पोर्ट बिल रशिया से हम ज़्यादा पेट्रोल नहीं लेते हैं ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर और सनफ्लावर आयल ऑयल का हमारे पास नहीं है फर्टिलाइजर्स और सनफ्लावर ऑयल ये हम रशिया से लेते हैं एक्सपोर्ट अगर रशिया की करें तो हमारे यहाँ फार्माक्यूटिकल और टी है चाय और फार्माक्यूटिकल तो ये दोनों सेक्टर अभी डिफिकल्टी में आएंगे ये शिपमेंट जाता है रशिया और सी कंट्रीज में फ्रेट रेट हाइक होगा माल ढुलाई तो एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटेटिव भी हो जाएगा ट्रेड अकाउंट में भी वर्जन होगा सर्ज होगा क्रूड ऑयल प्राइसेस में ओवरऑल तो इंडिया में भी जो इम्पोर्ट बिल है ऑयल का वो बढ़ेगा गोल्ड इम्पोर्ट इंडिया लव्स गोल्ड गोल्ड इम्पोर्ट जो है वो भी बढ़ेगा तो इससे फिर अगेन हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो इम्पैक्ट होगा रुपी भी अंडर प्रेशर होगा तो अगेन डबल वैमी है एक तरफ तो एक्सपोर्ट बढ़ इम्पोर्ट बढ़ रहा है कॉस्ट इसका और रुपी भी वीकन हो गया तो ये सारे क्या टेंडेंसीज हैं प्रडिक्शन हैं ऐसा हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट भी जेपरडाइज होगा फॉरेक्स रिजर्व अभी हेल्दी है लेटेस्ट सी फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है अपने पास इतना मुद्रा भंडार है कि अपन इतने टाइम तक बाहर से कोई चीज़ खरीद सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं तो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व तो ये सब अभी स्पेक्यूलेशन हैं। देखते हैं क्या होता है इम्पैक्ट जो होगा वो इन्फ्लेशन पे पड़ेगा ऑलरेडी सिक्स पॉइंट जीरो वन पे है फोर प्लस माइनस टू इज द क्राइटेरिया तो इन्फ्लेशन सिक्स पॉइंट जीरो वन परसेंट होगी आर बी आई क्या और आगे अकोमोडेटिव स्टांस रख पाएगा ऑलरेडी आर बी आई का बहुत क्रिटिसिजम हो रहा है अकोमोडेटिव स्टांस ईजी मनी पॉलिसी में तो ये भी एक चैलेंज होगा आर अगर ईजी मनी पॉलिसी नहीं रखेगा टाइटन करेगा तो फिर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिकवरी हेम्पर हो जाएगी सो दैट इज बाई इक्वेशंस बहुत टाइटली एक दूसरे में यहाँ मिक्स हो गई है अब बजट भी अभी आया था बजट में डोमेस्टिक फ्यूल टैक्सेस में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बताए थे कंजम्पन लेवल अभी भी पहले जितना आया नहीं है कोविड रिकवरी अभी भी फ्रजाइल है तो द पॉइंट इज द परफेक्ट स्टॉम अभी जो टाइम है द परफेक्ट स्टॉम नजर आ रहा है देन दिस इज़ ट्रबल्ड वाटर ये न्यूज़ है श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया श्रीलंका इंडिया के जो फ़िशरमैन हैं वो डिपेंडेंट हैं फिशरीज पे फिशेस फिश रिसोर्स पे और ये जैसे बॉर्डर है बॉर्डर है बट इस बॉर्डर के इधर भी श्रीलंका के तरफ भी यहाँ पे अच्छे रिजर्व हैं फिश के तो ये इंडियन फ़िशरमैन चले जाते हैं श्रीलंका की बॉर्डर में और वहाँ पे फिशेस कैच करके ले आते हैं श्रीलंका की जो नेवी है वो एट टाइम्स इंडियन फ़िशरमैन को इसीलिए यहाँ पे कैच कर लेती है उनको अरेस्ट कर लेती है अब अरेस्ट हो जाता है तो फिर ये एक डिप्लोमेटिक बात बन जाती है और फिर पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाता है तो इंडिया एंड श्रीलंका शुड फाइंड अ लास्टिंग सॉल्यूशन टू द इश्यूज फेसिंग देयर फिशर फोक तो ये तमिलनाडु अलार्मिंग रेगुलरिटी से टेरिटोरियल वाटर ऑफ श्रीलंका में पोचिंग है तो ये न्यूज़ कॉन्टीन्यूसली बना हुआ है एक्चुअली ये जो पूरा जोन है ना इधर यहाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ फिशेज बहुत है एक्वेटिक एनिमल्स बहुत है तो इंडियन फ़िशरमैन भी और श्रीलंकन फिशरमैन भी इन दोनों में कॉम्पिटिशन चलता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को कैप्चर करना यहाँ ट्रॉलर्स भी यूज़ होते हैं जिसपे काफ़ी क्रिटिसिजम होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम टाइम बाउंड्री लाइन है अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस हाईलाइट द लेवल ऑफ डेस्परेशन ड्रिवन बाय लाइवलीहुड कंसर्न फिशरमैन को पता है यहाँ लाइफ का रिस्क है बट लाइवलीहुड कंसर्न के कारण दे क्रॉस द बॉर्डर तो अब बात यह है कि जैसे कच्छा थी वो आइलैंड और इसके आसपास का जो एरिया है द पॉइंट इज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे श्रीलंकन नेवी है इंडियन नेवी है इनके बीच में क्विक लाइक हॉटलाइंस पे बात होनी चाहिए जो डीमार्केशन है वो क्लियर होना चाहिए फ़िशरमैन को प्रॉपरली लाइक अवेयरनेस होनी चाहिए उनको स्ट्रिक्टली ग्रूम करना चाहिए कि डू नॉट क्रॉस दिस बॉर्डर लाइक दैट तो इसके लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी है कंटिन्यू एंगेज एंगेजमेंट होना चाहिए रेगुलर कंसल्टेशन एंड बायोलिट्रल चैनल्स, अदरवाइज क्या होता है अगर फिशरमैन फायरिंग ओपन हो गया फिशरमैन का लाइफ गया तो फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है एस्केलेट हो जाती है चीज़ें तो द आइडिया इज इसको ग्राउंड से ही हमें सॉल्व करने का प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना चाहिए देर इज़ नो positive ऑफ आइडियाज इन द एरिया ऑफ द पार्क में फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट एडिकुट एक्शन जरूरी है स्टेक होल्डर पर जो यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है सो दिस इज ट्रबल्ड वाटर्स पुतिन्स मूव्स आर हार्डली चेस थम्पिंग यहाँ अब एक्चुअली क्या है अभी अगर सोशल मीडिया देखे तो इट इज़ लाइक एंटी पुतिन एंटी रशिया बट अगर रशियन हिस्ट्री भी देखें और अगर देखें कि ये जो सिचुएशन आई ये कैसे आई इसका क्या रीज़न है बैकग्राउंड क्या है और अगर देखें कि नाटो इज राइट तो यू इज़ राइट तो ऐसा भी नहीं है नाटो और यू की जो पॉलिसीज़ थी वो भी इक्वली जिम्मेदार है जो आज यूक्रेन क्राइसिस जिसपे हो रहा है इवन जो यूक्रेन अभी जो प्रेसिडेंट है उनके एक्शंस स्टेटमेंट्स एट अप टू सम एक्सटेंट ये सही है कि यहाँ जो जितने भी प्लेयर्स हैं चाहे वो यूएस नाटो ग्रुप हो या फिर रशिया दे ऑल आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस जो अभी यहाँ पे हो रहा है डिप्लोमेसी हैज री ट्रीटेड एज द स्मोल्डरिंग यूक्रेन क्राइसिस ओवर अ डिसाइजिव टर्न दिस वीक लैंग्वेज आई में लैंग्वेज बहुत मायने रखता है इस पूरे एग्जाम में ही लैंग्वेज बहुत मायने रखता है पता है क्या होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम तो निकाल लेते हैं स्टूडेंट मेन एग्जाम में क्या होता है लिखना पड़ता है लिखना मतलब आपकी लैंग्वेज आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है आपका स्टेटमेंट्स करेक्ट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं आपको जो आता है उसको आसान भाषा में आप बता पा रहे हो या नहीं बता रहे हो सिंप्लिसिटी ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो राइटिंग है उसमें बहुत वर्बोसिटी है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड है पर अच्छी राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हम वर्ड्स वोकेबुलरी यूज़ कर रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्ट करें नो राइटिंग अच्छी होने का मतलब होता है सिंप्लिसिटी हो उसमें दैट इज़ बाय राइटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हर दिन आपको इम्प्रूव करने को बोलता हूँ ये चीज़ मेन एग्ज़ाम जो रियल एग्जाम है ना उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है और फिर इंटरव्यू में भी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी बहुत ज़रूरी है जो बेसिक मैनर्स होते हैं ना बात करने का तरीका उसको सीखिए ग्रूमिंग सॉफ्ट स्किल्स बट एट टाइम्स यू वॉन्ट टू से समथिंग बट यू से इन अ टोन जो बहुत रूड लगता है इनकम्प्लीट लगता है और वो आपके अगेंस्ट जाएगा सो लर्न दीज थिंग्स डिप्लोमेसी हैज रिट्रीटेड एज द स्मॉलिंग यूक्रेन क्राइसिस क्राइसिसक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है ऑब्जेक्टिव है डीमिलिटराइजिंग यूक्रेन का बट नॉट ऑक्यूपाइंग ये व्लादिमिर पुतिन ने कहा आइडिया बस ये है कि जो यूक्रेन है उसको डी किया जाए बिकॉज यूक्रेन इंटेंशंस दिखा रहा है नाटो को ज्वाइन करने का एट टाइम्स ये भी न्यूज़ था कि यूक्रेन न्यूक्लियर पावर फिर से रखने का एम्बिशन भी रखता है तो रशिया इस बात से अलार्म था सोवरिटी ऑफ पीपल रिपब्लिक्स ऑफ डोनेट्स एंड लोहानस ये एरिया है इनको रिपब्लिक घोषित किया गया टू ऑफ यूक्रेन ईस्टर्न प्रोविंसेस और यहाँ पे रशिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजा इन टेरिटोरी में और यूक्रेन के इन दोनों रीजन को बोल दिया ये अब इंडिपेंडेंट है व्लादिमिर पुतिन तो डीमिलिटराइज करना और इस एरिया में जो रशियन एथेनिसिटी के लोग रहते हैं उनके राइट्स के लिए ऐसे इनकर्शन हुआ है ये रशिया ने जस्टिफाई किया अब इस बात पे यूएस अलाम्ड है अब 1945 की बात करें तो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ सेकेंड टाइम नेशनल बाउंड्री अभी रीड्रॉन हो रही है बाय फोर्स आफ्टर 1945 फोर्टी फाइव बट अगर यूएस नाटो की बात करें तो 1999 में नाटो ने स्ट्राइक किया था सर्बियन फोर्सेस में और उससे बना था कोसोवो और ये जो नाटो ने स्ट्राइक किया था इसमें भी यू की परमिशन नहीं ली गई थी यूनाइटेड नेशन दैट इज़ वाई यूनाइटेड नेशन को कई बार एक पपेट बोला जाता है सो so, अब बात ये आती है कि जैसे यू ने भी इतने सारे ऑपरेशन किए अक्रॉस द वर्ल्ड चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर यूनी लेटरल लगाना मिलिट्री ऑपरेशन करना तो तब यूनाइटेड नेशन से बात अप्रूवल क्यों नहीं लिया गया सो so, रशिया ये अगर आर्ग्यूमेंट देता है इफ़ यूएसए के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो रशिया के लिए भी नहीं है दिस इज दैट क्राइसिस इन द मेकिंग सो आइडिया इज ये नहीं है कि यूएस राइट है या रशिया राइट है आइडिया ये है इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहे यूनाइटेड नेशन एज इंस्टीट्यूशन इसको स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना चाहिए बजाय किसी पर्टिकुलर कंट्री के विम्स एंड फैंसी से

प्रेसिडेंट थे ना इनके टाइम पर ही फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा और उस टाइम पे जो यूएस प्रेसिडेंट के साथ बात ये चल रही थी कि नाटो भी अपना एक्सपेंशन बंद करे और यूएसए भी अपना जो मिलिट्री ब्लॉक्स एंड दूसरी टैक्टिक्स है उसको विद्रॉ करेगा यूएसएसआर ने विड्रॉ किया बट नाटो एक्सपेंशन रुका नहीं नाइनटीन में यू का ब्रोक हो गया फिफ्टीन कंट्रीज इस पर भी हमने आंसर राइटिंग किया है और गौरबा चे फेडेड इन हिस्ट्री और व्हाइट हाउस में नया प्रेसिडेंट आ गया नया प्रेसिडेंट आया उसने फिर से नाटो का एक्सपेंशन चालू कर दिया दस साल के अंदर चौदह में, में नए में और ये चौदह में डिसंटीग्रेशन से बने थे प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने बोला इन प्रिंसिपल ओपनिंग दे रहे हैं यूक्रेन और जॉर्जिया को भी कि आप फ्रांस जर्मनी इधर इसमें नाटो में आ जाओ तो फ्रांस और जर्मनी ने इस बात पे रशिया के कंसर्न्स को उठाए बिकॉज फ्रांस एंड जर्मनी को पता है वर्ल्ड वॉर क्या होता है यूरोप में हुआ है पर रशियन कंसर्न्स भी दे नो बिकॉज रशिया में इससे पहले नेपोलियन का अटैक देखो या फिर हिटलर का अटैक देखो वो सब यूक्रेन के थ्रू हुआ है तो यूक्रेन के लिए रशिया बहुत सेंसिटिव रहता है तो इन्होंने अपोज किया और फिर जॉर्जिया और यूक्रेन का नाटो में इंक्लूजन हॉल्ट हो गया फिर जॉर्जिया में अगेन फिर रशिया ने यहाँ पे ऑपरेशन किया जॉर्जिया को डी करने के लिए फिर इसके बाद व्लादिमीर पुतिन आते हैं क्रीमिया का एनेक्सेशन होता है 2014 में क्रीमिया का लोकेशन भी पता है क्रीमिया एनेक्सेशन ज़रूरी था अकॉर्डिंग टू रशिया टू गेट एक्सेस टू टू गेट एक्सेस टू वाइटल दिस ब्लैक सी एक्सेस तो क्रीमियन पेनसुला इसलिए लिया गया अब मेडिट्रेनियन पे अगर चाहिए टाटा इन सीरिया तो रशिया को ये पूरा एक्सेस चाहिए अब रशिया भी प्रॉक्सी वॉर खेलने लग गया यहाँ जो सेपरेटिस्ट थे रशियन ओरिजिन के उनको लाइक सप्लाईज मिल रही थी एंड इट वॉज डिमांडेड कि वो मिल जाए रशिया में वो मिल जाए रशिया में।, में या इंडिपेंडेंट हो जाए इस तरीके से यूक्रेन के ये डोनेट्स और लोहानस रीजन अभी इंडिपेंडेंट सोवरन कंट्रीज़ बने अब बात आती है यूरो डिप्लोमेसी की तो लोहानस्ट डोनेट्स का भी यहाँ पे बन रहे हैं अगर हम बात करें तो सी प्रैक्टिकलिटी भी होने लग गई है जैसे जर्मनी अब न्यूक्लियर जो फ्यूल है उससे दूर हटा अब उसको सस्ता फ्यूल चाहिए जर्मनी के पास ऑल दो राइन लैंड वगैरह है कोल रिजर्व है बट ये पॉलिटिंग है जर्मनी को अगर चीपर और कम पॉलिटिंग फ्यूल चाहिए तो उसको रशिया की गैस की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए नॉर्थ स्ट्रीम टू थी नॉर्थ स्ट्रीम वन एंड टू थी तो जर्मनी की भी प्रैक्टिकल कम्पलशंस है फ्रांस की भी प्रैक्टिकल कंपल्शंस है तो जो ये सैंक्शंस अभी जिस तरीके से चल रही है जिस तरीके से अभी पेट्रोल वगैरह इनका प्राइस बढ़ेगा पीपल अगेन फेडअप होंगे एंड दे विल से कि ये सैंक्शंस फिर कम की जाए और नॉर्मलसी की तरफ बढ़ा जाए यूजुअली ऐसे ही होता है आया है पिछले कुछ टाइम पे लेट अस सी अब फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन जर्मन चांसलर है ओलाफ शोल्स इन दोनों की विजिट हुई थी व्लादिमिर पुतिन से और दोनों ने ट्राई किया था नॉर्मलसी हो बट यूएस का हेजेमनी जमनी यहाँ पे यूएस अपना पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है अब यूएसए भी जिस तरीके से अफगानिस्तान एपिसोड हुआ अभी यूक्रेन का एपिसोड हुआ तो यूएसए की भी जो इमेज है वर्ल्ड का लीडर का उस पर भी यहाँ पे डेफिनेटली डेंट्स तो लगे पुतिन का ये चेस गैम्बेट है इस एरिया में यूक्रेनियन फोर्सेस एंड ऑल सबको यहाँ डी करना और एक मैसेज सेंड कर देना कि रशिया जो है वो बड़ा सेंसिटिव है और वो अपने डिफेंस के लिए आगे बढ़ेगा तो ये यूक्रेन क्राइसिस है यहाँ पे अब इसके आगे क्या नतीजे होंगे तो लेटेस्ट सी फ्रिक्शन किस स्टेज तक जाता है कितने स्केल की वॉर होती है यूएस एस यहाँ पर कैसे इंटरवीन करता है ये देखने का होगा सेकेंड अगर हम देखें जैसे चाइना एप्सटैंड हुआ इंडिया एप्सटैंड हुआ यू भी एब्सटैंड हुआ अभी यू में तो सी ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड अगेंस्ट रशिया है तो अगर यूएस सेंक्शन भी लगा देगा तब भी रशिया को इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी तो सेंक्शन एज अ पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड यू एस ए इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं ईरान पे इतने टाइम से सेंक्शन है बट सम हाउ नॉर्मल सी तो चल ही रही है तो रशिया भी सर्वाइव करेगा सो द पॉइंट इज ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें एक एक चेंज रिक्वायर्ड है इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज सिलेबस में लिखा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी स्पीच में भी बोला था यूनाइटेड नेशंस के अभी पचहत्तर साल हुए थे तो यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म्स ज़रूरी है इंडिया जैसे बड़े पावर को यू में वीटो पावर नहीं है परमानेंट मेंबरशिप नहीं है सो दिस इज़ रॉन्ग सो यू में रिफॉर्म्स चाहिए एंड ये जो क्राइसिस है दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कोविड भी हुआ अभी रशियन क्राइसिस भी हो रहा है दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि ग्लोबल ऑर्डर को हम डेमोक्रेटाइज़ करें ये वेस्ट लेड नहीं होना चाहिए तो फुल स्केल इन्जन यहाँ पे इन्वेजन है रेगुलर टॉक्स हैं यहाँ पे स्केल एंड सीवियरिटी क्या होगा नोबोडिनोज वॉर का ऐसा होता है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा स्पेशल मिलिट्री है जर्मन चांसलर नॉर्ड स्ट्रीम डिपेंडेंसी है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा यूरोपियन यूनियन सेंक्शंस तो लगाएगा बट उसका यूटिलिटी है या फिर वो फ्यूटाइल है नाटो का आगे क्या फ्यूचर है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने तो राइट ऑफ कर दिया था नाटो को सो so, ये चीज देखने की बात है अब बिकॉज डेमोक्रेट्स आए हैं तो वो रिपब्लिकन की बहुत सारी पॉलिसी को रिवर्स करने की भी कोशिश करते हैं तो दिस इज द तो सी बीजिंग अगर इस पूरे एपिसोड से कोई एक विनर है ना तो वो बीजिंग है आज की डेट में बीजिंग के लिए सारी चीज़ें एकदम करेक्ट बैठ रही है कोविड नाइनटीन से बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको हुआ दिस कंट्री यूक्रेन क्राइसिस से भी दिस कंट्री द रशियन चाइना एक्सेस स्ट्रॉन्ग होगा टू नेशंस रेडी टू टेक ऑन द वेस्ट और इससे बिकॉज हमारे रिलेशन ओवर हो रहे हैं चाइना के साथ तो हमें क्या आगे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे दिस वी नीड टू सी बैलेंस ऑफ पावर इज वंस अगेन इन फ्लक्स चाइना डेवलप्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया फ्यूचर ऑफ द वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर विल बी डिफाइंड बाय हाउ इफेक्टिवली इट रेस्पॉन्ड्स टू क्राइसिस इन यूक्रेन तो ये जो यूएस लेड ग्रुप है वेस्ट लेड ग्रुप है इसकी अथॉरिटी पे भी एक बहुत बड़े सवाल लग रहे हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट अब चेंज होगी चीज़ें इनफ्लैक्शन पॉइंट दैन अपी इंडियन है यहाँ पर प्लेन्स टू यूक्रेन नेबर इंडिया में भी मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं रशियन एंड यूक्रेन में अपना मेडिकल डिग्री के लिए तो वो यहाँ पर काफ़ी स्टक है तो ऑफिशल्स यहाँ पे एक्टिव हैं वर्क कर रहे हैं डू नॉट पैनिक एम्बेसी यहाँ पर इन सब को कॉन्टेक्ट कर रही है रशियन एनवाइज अरावल इन दैली में हेल्प क्लोजर कंसल्टे अब पाकिस्तान नेशनल बैंक पे भी इतना मिलियन का फाइन हो गया बाय यूएसए टाइमिंग अगेन इमरान खान का विजिट टू पाकिस्तान और टू रशिया और जब ये इन्वेजन हो रहा है यूक्रेन का दिस इज आल्सो वन एक्सेस देन सेंट्रल स्टाफ प्रोटेस्ट ओवर प्रमोशन सेंट्रल सेक्रेटे सर्विसेज मिनिस्टर्स ऑफिस रशिया विलिंग टू टॉक विद यूक्रेन पुतिन टेल्स शी रशिया ने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया है कि वो यूक्रेन को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे बस वहाँ की मिलिट्री को डी करना है नाटो जो है उसको बैक ऑफ करना है और न्यूक्लियर ऐसा कुछ एम्बिशंस है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना है दिस रेडिएशन स्पाइक इन चैनोबिल चेरबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था यूक्रेन में रशिया हैज सीज द न्यूक्लियर प्लांट बाइडन अनाउंस एडिशनल सेंक्शन ऑन रशिया अब इसमें जो बाइडन की पोजिशन भी बहुत वीक नजर आ रही है एज अ यू एस प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन टू फ्रीज यूरोपियन एसेट्स ऑफ पोतन एंड लेवरो फिफ्टी थाउजेंड यूक्रेनियन फ्लैड कंट्री यूक्रेनियन क्राइसिस और श्रीलंका कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंड इंटरेस्टिंगली तालिबान ने भी कल एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट किया है कि वॉयलेंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए टॉक इज शुड बी द वे फॉरवर्ड देन इंडिया सेट टू आई रुपी ट्रेड टू ऑफ सेट सेंशन ऑन यू रशिया बिकॉज डॉलर का अभी होगा नहीं तो हम क्यों ना जो ट्रेड है वो रुपी के थ्रू हम पेमेंट कर दें जैसे ईरान को भी एक बार सेंक्शन के टाइम पे हमने रुपी पे, पे पेमेंट किया था फॉर ऑयल तो डिसरप्शन फर्टिलाइजर सप्लाईज़ में होगा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुड थ्रेटन इंडियाज फार्म सेक्टर एग्रीकल्चर तो बाईपास रूट की अभी हमें ज़रूरत होगी ताकि हम फर्टिलाइज़र की सप्लाई स्मूथली यहाँ पे करें फर्टिलाइज़र हम इम्पोर्ट कराते हैं एक्सपोर्ट प्राइमरली हम फार्मास्यूटिकल और टी करते हैं रशिया और सी आई एस कंट्रीज़ में बाकी ऑयल ज़्यादा नहीं है रशिया से ऑयल हमारा गल्फ़ कंट्रीज से आता है

ट्राई फाइव जी के नॉर्म्स लाने की बात कर रही है अप्रैल दिसंबर में एफ डी आई इक्विटी इनफ्लो डिप हुआ इतना इंडिया सिक्स यूरिया ट्रेड विदान इन रूपीसी इन रुपी सेंसेक्स निफ्टी रिबाउंड हुआ स्टिल लॉग वीकली लॉसेज ऑयल रिट्रीट्स बट स्टिलेशन फिर दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज और दिस इज स्पोर्ट्स वाई इंडिया इज सुपर पावर इन अंडर नाइनटीन क्रिकेट सो दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज ऑल राइट सो आज वीकेंड्स है आंसर राइटिंग नहीं है जस्ट रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज सो दिस इज ट्वेंटी टू थैंक वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी से